में स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर निशाना, कहा अखिलेश को समाज के किसी वर्ग पर भरोसा नहीं, बीजेपी को मिला है जनता का आशीर्वाद। बिजनौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब्दुल मन्नान के खिलाफ की कार्रवाई, चेयरमैन की संपत्ति की गई कुर्क। कर्नाटक में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन, 10 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, छात्राएं कॉलेज के बाहर कर रही थी हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मधुबनी में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेसवे की बोगी में लगी आग, आग से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने एक बच्चे का वीडियो ट्वीट कर लिखा है, छोटे सरकार कह गए बड़ी बात। दरअसल वीडियो में दिखाया गया बच्चा कह रहा है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पिट गए बीजेपी सरकार में। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पिटा भाजपा के सरकार में। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पिटा भाजपा के सरकार में। वहीं गदरपुर में कुछ दिनों पहले किसान नेता पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज किसानों ने प्रभावी निरीक्षक का घेराव किया है। इस दौरान तराई किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश कुमार के नेतृत्व में किसान थाने पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र साह से मुलाकात कर जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें गदरपुर से आप दिखा रहे हैं जहां पर प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया गया है और जल्द से जल्द आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। ऐसा है जी, कुछ दिन पहले कुछ आरोपियों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी पर हमला किया था, जानलेवा हमला। तो उस संबंध में मेडिकल वगैरह सब दे दिए गए थे, एफआईआर भी दे दी गई थी थाने में, और आज 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती हुई दिखी हमें, तो इसलिए हम आज सब आए हैं, थाना अध्यक्ष जी से बात की है उनसे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमें इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की भू लग रही है, क्योंकि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपी खुले घूम रहे हैं, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम आज मिलने आए थे उनसे और उनसे कहने आए थे भी इसमें जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने हमें किया है कि भी इसमें सीओ साहब देखेंगी और SC ST का मुकदमा जो है वो भी सीओ साहब देख रही हैं। चमोली के जोशीमठ में पेका के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई, वहीं दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा हो गया है। बता रहे हैं कि अभी तक आग पर काबू नहीं पा सकने के कारण जंगल में आग भड़क गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कई हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। तो भीषण आग का प्रकोप जो कि पेका के जंगलों में ये आग लगी है, जो आग आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आग लगातार बढ़ती जा रही है, कई हेक्टेयर भूमि जलकर इस वक्त राख हो चुकी है। चमोली के जोशीमठ में ये पेका के जंगल हैं जहां पेका के जंगलों में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से आपको बता दें कि कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई है, वहीं दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अभी तक आग पर काबू नहीं पा सकने के कारण जंगल में आग बढ़ती ही जा रही है। तो पेका के जंगलों में आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसकी वजह से आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं उससे पहले सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब ताजा मामला झांसी से सामने आया है।
जहां पर सपा कार्यकर्ता ने बीजेपी विधायक के बेटे पर उनकी पिटाई का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां एक ओर बीजेपी जनता के सामने अपनी छवि साफ करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी विधायकों की कुछ ऐसी कारिस्तानी सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसे देखकर अब बीजेपी भी परेशानियों में घिरती नजर आ रही है। पूरा मामला झांसी के मोट का है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के बेटे और कार्यकर्ताओं पर गुंडई का आरोप लगाया है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। पूर्व प्रधान दिनेश जी हैं, उनके बच्चे झांसी रहते हैं, हम भी झांसी रहते हैं। उनका जो है आटा की बोरी पिसाने यहाँ आए थे मंडी के पास, वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो अरविंद जी हमारे मित्र हैं, वो मिल गए। उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा बस स्टैंड तक छोड़ देना, तो उनकी सफारी गाड़ी में हम तीनों लोग आ रहे थे। तो यहाँ जवाहर राजपूत जी का वो लड़का है, क्या नाम उनका, राहुल राजपूत, उसने आड़ी सफारी लगा के हम लोगों को खींच लिया। उनके साथ और 8-10 लोग थे, खींचने के बाद शटर के अंदर ले गए। शटर के अंदर ले जाके इतना बेरहमी से मारा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा सर देख सकते हैं, पीछे सरिया और डंडा लिए थे और कुर्सियाँ, इतना मारा कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। पीड़ित सपा कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि वो किसी काम के चलते अमरा से मोठ मंडी के पास पहुंचे थे। इस दौरान जवाहरलाल राजपूत के बेटे राहुल राजपूत ने उनकी सफारी गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रुकते ही उन्हें गाड़ी से बाहर खींचकर बीजेपी के कैंप कार्यालय के अंदर ले गए, जिसके बाद उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मार पिटाई की। मारपिटाई करने वाले लगातार उन पर शराब बांटने का आरोप स्वीकार करने की बात कहते रहे। मारपीट से डरे घबराए उन्होंने शराब बांटने की बात को कबूल भी कर लिया। आगे उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक के बेटे की बात नहीं मानते तो उन्हें जान से मार दिया जाता। वहीं इससे इतर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सपा समर्थक पर शराब बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ये अपराध करने वाले या तो जेल के सिंचों में है या प्रदेश से बाहर हैं, और आज जानकारी मिली थी कि मोठ में लगातार शराब विपक्षियों के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पैसा बांटा जा रहा, शराब बांटी जा रही, कंबल वितरण किए जा रहे, इसकी FIRें भी हुई हैं, और भी थानों में FIR हुई है। और आज साक्षात पकड़े गए, उनके लोग पकड़े गए जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और शराब पकड़ी गई, और इसके बाद वो आज देखिए किस तरह की गुंडागर्दी। खुद पूर्व विधायक यहाँ बैठकर 500 लोगों को लेकर थाने में आए सर, उनके कार्यकर्ता और वहाँ पर जाके हमारे जो विभिन्न पाठक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से ब्राह्मण लोगों पर एक मकान पर जाकर किस तरह से डराने धमकाने का और मारपीट करने का और जान से ख़त्म कर देंगे, इस तरह की भाषा बोलकर उनके जो मून है, उनके 30 गाड़ियां थी, 50-60 लोग होंगे कम से कम। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शराब को लेकर के शराब ले जा रहा था, उसको शराब का कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है। और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखकर जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोगों की मारपीट की हुई है अभी जानकारी तहरीर मिल रही है अभी, और जैसे ही मिलेगी मिलेगी तहरीर हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, पक्षों की तहरीर आ चुकी है, अभी तहरीर एक पक्ष की आ गई है, दूसरे पक्ष अभी नहीं आए हैं, जो क्या कहते हैं और उसमें जो भी साक्ष्य होगा तथ्य होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस पूरे मामले में कौन गलत है और कौन सही है,
पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन झांसी में कल चुनाव है। ऐसे में देखना अहम हो जाता है कि इस घटना का चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झांसी से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इमरान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूरी घटना क्या है, जरा इसको विस्तार से बताइएगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना है झांसी की गौड़ा विधानसभा के मोड़ थाना क्षेत्र की, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं दीपनाथ सिंह यादव। वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के चुनाव सिंबल पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सिटिंग विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जो खूनी जंग हुई है इन दो विधायकों के बीच में, जो कार्यकर्ता उनके बीच में हुई है, ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब जगह जगह प्रचार वहां पर में लगे हुए थे, उसी वक्त समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है जवाहरलाल राजपूत, उनका लड़का वहां से गुजरता है और उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी को रोकता है। रोकने के बाद मारपीट करता है और गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें जो है वो उसके अंदर रखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो शराब है वो समाजवादी पार्टी की गाड़ियों में मिली है, वो जो बांट रहे थे लोगों को, वोट लोगों को बांट रहे थे, ये उनका आरोप है। फिलहाल पुलिस जो है, पुलिस का कहना है कि इसमें जांच की जा रही है और जो जो सही होगा उस पर वो सही कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, लेकिन पुलिस से ये भी अगर पूछा गया होगा कि ये जो हम अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर गाड़ी के अंदर ये शराब की जो बोतलें रखी हुई हैं, ये किसकी गाड़ी है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा इमरान साहब। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गाड़ी है सफारी गाड़ी है, टाटा सफारी की ये गाड़ी है, ये वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की है जिन्होंने पिटाई वहां पर की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है। तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, बीजेपी वालों का ये कहना है कि सपा के जो कार्यकर्ता है वो दरअसल शराब बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको पकड़ कर इनकी पिटाई की है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ियों में लोगों को शराब बांट रहे थे, शराब बांटने को जब उनके कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे ने वहां पर उन्हें देखा तो रोक कर उनसे पूछताछ की, ये वही है, ये आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक है, और साथ ही साथ जो पिटे हुए कार्यकर्ता है उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। जी मैं आपको बताना चाहूँ, पुलिस के मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे हैं, पुलिस के पास दोनों पक्ष जो है वो पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों पक्षों के जो शिकायत है वो वापस ली है। उन्होंने कहा जो सही होगा वो इसके हम जांच करेंगे, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, मारपीट के बाद मेडिकल करवाया गया होगा, मेडिकल में क्या बताया गया है, कितनी चोट है, गंभीर चोटें बताई जा रही है, कैसा है मामला? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जिसके साथ ये पिटाई हुई है उस पर गंभीर चोटें हैं, उसका बाकायदा पुलिस ने मेडिकल भी कराया है और पुलिस ने इसमें ऐसा सुनाया भी है कि पुलिस में जो है वो एक पक्षी कार्रवाई न करके दोनों पक्षों पर वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आरोप है कि जो ये गाड़ी थी इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने शराब रखी थी, उसके बाद वीडियो जो है वहां पर वायरल किए थे और फिलहाल पुलिस जो है इसमें जांच में जुटी हुई है। जी और इसके साथ ही एक और गंभीर चीज है इस पूरी खबर में कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने बूथ कार्यालय में, अपने मतलब कार्यालय के अंदर इनको बंधक बनाकर मारा पीटा है इनको। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे इन्हें उस गाड़ी से उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक जवाहरलाल राजपूत है उनका एक लड़का है वो इन्हें खींचकर अपने कार्यालय के अंदर ले जाता है, कार्यालय में ही शटर को बंद कर वो एक बड़ी सी शॉप नुमा वो जो कार्यालय था उसकी शटर को बंद कर उसकी पिटाई वहां पर लगाई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। तो ये पूरी घटना जो है झांसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर दरअसल बीजेपी से सिटिंग विधायक हैं उनके कार्यकर्ता और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने का ये मामला है जहां पर सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है, तो सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का ये पूरा मामला है और साथ ही साथ बीजेपी का आरोप है कि दरअसल सपा के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी के अंदर रखकर शराब की बोतलों को बांटने का काम कर रहे थे जिसके बाद ये पिटाई लगाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शराब की बोतलें रखकर उसको बांटने का काम भी कर रहे थे तो बीजेपी के सिटिंग एमएलए और उनके बेटे और उनके कार्यकर्ताओं को ये हक कौन देता है कि वो पिटाई कर सकें? इसकी शिकायत तो पुलिस से की जानी चाहिए थी, इसकी शिकायत तो निर्वाचन आयोग से की जानी चाहिए थी, इसकी शिकायत तो जिला के निर्वाचन अधिकारी से की जानी चाहिए थी, लेकिन वहां शिकायत न कर खुद कानून को अपने हाथ में लेते हुए पिटाई कर रहे हैं। ये मामला गंभीर है, इस पर पुलिस को जल्द से जल्द जांच कर निर्णायक फैसला लेना चाहिए।
खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अखिलेश अपनी कर्मभूमि कन्नौज से ना लड़के करहल से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको समाज के किसी वर्ग पर विश्वास नहीं है। वहीं स्वतंत्र देव ने बीजेपी के कामों का बखान करते हुए कहा कि पहले बड़े आदमियों के घर में शौचालय, गैस सिलेंडर, बिजली और पक्का मकान होता था, लेकिन अब हर घर में शौचालय है, बिजली, पक्का मकान और गैस का सिलेंडर नजर आता है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला है। इस बार बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। बिजनौर के कीरतपुर में पुलिस ने और राजस्व विभाग की टीम ने डीएम के आदेश पर सपा नेता और कीरतपुर नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त की 1,75,00,000 की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। चेयरमैन और उनके परिवार के भाइयों और पत्नी के नाम 2 प्लॉट और 1 शोरूम को कुर्क किया गया है। उधर चेयरमैन अब्दुल मन्नान का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर डीएम साहब से मुलाकात भी की जाएगी। कस्बा व थाना किरतपुर निवासी अब्दुल मन्नान, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बना के अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिले में स्टेट बिजनौर के आदेशानुसार कुर्की की गई। कुर्क की गई सभी संपत्ति की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। आज राजस्व टीम तहसील नजीबाबाद थाना किरतपुर पुलिस ने मिलकर अवैध तरीके से एकत्रित की गई अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की है। वहीं ललितपुर प्रदेश में तीसरे चरण के होने वाले चुनाव के अंतर्गत ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर कल मतदान किया जाना है। इसी कड़ी में आज प्रशासन की तरफ से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया कि BSF के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 ACs हैं और लगभग 9 लाख से ऊपर 9,37,000 यहाँ पर मतदाता हैं। AC वाइज देखें तो क्या हमें हमारे ये 2-26 है उसके अंदर जो नहीं सारे जो आंकड़े बता रहा हूँ मैं महिला फीमेल के बता रहा हूँ कि जो हमारे दोनों जो पूरे ललितपुर के अंदर हैं 4,88,000 हमारे मेल हैं और 4,48,000 हमारे यहाँ लगभग फीमेल के मतदाता हैं। हमारे यहाँ 1,148 बूथ हैं और 1,148 बूथ के सापेक्ष हमने प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 4 लोगों को दिया है पीठासीन और उसके साथ हेल्प में के लिए 3 आदमी और दिए हैं। सभी इस बार बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग सभी पार्टियों को जो है बसों से भेज रहे हैं, कोई ट्रकों की जैसे पहले ट्रकों से भेजा जाता था ऐसा कुछ नहीं है, इस बार हमने पूरी बसों से पार्टियां भेज रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए जो कल होने वाला है, आज पोलिंग पार्टियां जो है हमारे यहाँ स्ट्रांग रूम जो अमरपुर मंडी में बना हुआ है वहाँ से जा रही हैं। इन पोलिंग पार्टीज़ के साथ सिविल पुलिस फोर्स की यूनिट्स भी जा रही हैं। इन सबको जो है ड्यूटी कार्ड वितरित कर दिए गए हैं और ये सब लोग जो है अब यहाँ से अपने अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन पर जाएंगी, आज वहीं पर विश्राम करेंगी और कल सुबह सुबह से ही पोलिंग की तैयारियां जो है ये लोग अपने सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सीधे जो है संबंधित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं कर्नाटक में पुलिस ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये छात्राएं आपको बता दें कि गवर्नमेंट PU कॉलेज के बाहर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वहीं कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो 10 छात्राओं के खिलाफ FIR का मामला ये सामने आया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में पुलिस ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने में 10 छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये छात्राएं 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एक्सप्रेस एम्प्रेस गवर्नमेंट PU कॉलेज के बाहर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जबकि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई चल रही है। वहीं कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो ऐसे में कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामले को लेकर पूर्ण रूप से फैसला सुनाया ना जा सके तब तक इस मामले को लेकर स्टे लगाया जा चुका है और इस मामले में कहा गया है कि हिजाब पहनकर एंट्री नहीं है। तो ऐसे में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है।
वहीं बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वे की बोगी में अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जब हादसा हुआ तब उसमें कोई सवार नहीं था। पुलिसकर्मी के सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन में लगी आग को बुझाने में लग गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने से 3 से 4 बोगियों को क्षति पहुंची है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वही नालंदा के कतरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय सिंह का हर्ष फायरिंग करते वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो बेटे सोनू के साथ हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। सिंह पिस्टल से फायरिंग कर रहे हैं तो बेटा सोनू राइफल से कई राउंड फायरिंग करता दिख रहा है। वीडियो घर के गृह प्रवेश के दौरान की है। वीडियो वायरल होने पर आरजेडी नेता की ओर से सफाई दी गई है। उदय सिंह ने बताया है भाई आर्मी में है, उन्हीं के नाम से दोनों हथियार का लाइसेंस है। भाई की पत्नी गृह प्रवेश के मौके पर वहीं पर मौजूद थी, उनका भी नाम लाइसेंस में है। उन्हीं के कहने पर हर्ष फायरिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सत्तारूढ़ दल समेत विपक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यूपी की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि हमें अपने चहेते योगी सरकार फिर वापस लाना है। कंगना का ये वीडियो अब वायरल है। इसमें वो कहती हैं कि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार वोट है। याद रखें, हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट करें। उन्होंने आगे कहा, जब भी जाएं 3 से 4 लोगों को साथ लेकर जाएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। वहीं कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा के खिलाफ तरफ से राष्ट्रध्वज के संबंध में दिए गए कथित बयान को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बाद राज्य विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि जब तक सदन की बैठक नहीं होती तब तक वो सदन में धरना जारी रखेंगे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के चलते कल ही सदन की कार्यवाही में करीब 2 घंटे का विलंब हुआ। सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन प्रश्नकाल के शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि ईश्वरप्पा से पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या लाल किले पर कभी भगवा झंडा फहराया जा सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज नहीं, भविष्य में किसी दिन। उनके इसी बयान के बाद कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।